गा दे रहा जिया दाहिए बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कहा था उसकी शुरुआत इजराइल ने कर दी है। रविवार रात को इजराइल ने बेरूत पर एक के बाद एक मल्टीपल अटैक किए। धमाके की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। इसराइल ने यह भी कह दिया कि हिजबुल्ला की कमर तोड़ना ही उसका आखिरी मकसद है और इसकी शुरुआत रविवार रात से इसराइल ने शुरू कर दी। इसराइल अब तक हिजबुल्ला के ठिकानों को उनके लड़ाकों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब इसराइल ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है। इसराइल ने मल्टीपल स्ट्राइक शुरू कर दी है, यानी हिजबुल्ला के ठिकाने के साथ अब इजराइल का हमला उसके फाइनेंस करने वालों पर भी होगा। इजराइल ने अल कर्द अल हसन नाम की गैर लाइसेंसी बैंक पर हमला बोला। इस बैंक पर आरोप है कि ये हिजबुल्ला को पैसे की मदद करता है। इसराइल ने हिजबुल्ला के गढ़ में रहने वाले लेबनानी नागरिकों को इलाका खाली करने को कह दिया है और इसका बाकायदा इसराइल की तरफ से ऐलान किया गया। इसराइल समझ चुका है कि जब तक हिजबुल्ला को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं किया जाता तब तक वो इसराइल को रॉकेटों से निशाना बनाता रहेगा और इसीलिए इसराइल ने हिजबुल्ला के बैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया और रविवार को ही इसराइल ने इसकी शुरुआत। मैं इस वक्त बेरूत में हाइट पे हूँ। मैं इस वक्त आपको तीन स्पॉट्स दिखाऊंगा जो तीन के तीन जल रहे हैं और तीनों कर्जल हसन के सेंटर्स हैं जिनको रात के दौरान इसराइली एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। तो ये आप बेरूत का एरिया देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला स्पॉट पे सब कुछ जल रहा है। ये धुआं देखिए, ये एक सेंटर है कर्जल हसन का और ये बिल्कुल इसको बमबारी से उड़ा दिया गया। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल की तरफ से कम 11 हमले हुए। जिन इलाकों को इजराइल ने रविवार रात को निशाना बनाया ये सभी हिजबुल्ला के गढ़ माने जाते हैं। इजराइल के ज्यादातर हमले अल कर्द अल हसन की ब्रांचेस को निशाना बनाकर किए गए। ये बैंकिंग सिस्टम हिजबुल्ला को नकदी के अहम सोर्स में से एक माना जाता है। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने रविवार रात को इसका ऐलान कर दिया था कि हम आने वाले घंटों में कई जगहों पर हमला करेंगे और रात भर में और जगहों पर हमला करेंगे। אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים. אור, אלאן כמוטאבק היא, ג'סה היא אנדהרי כיסא הצ'אדר נה, לבנן פופני גרף מליה, בירות מה, איזרייל כי אייר סטרייק שרו הוגי. דמאקו כי זור דאר אבא סונטה היא, बेरूत के सैकड़ों लोग सड़क पर निकल आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेरूत के दक्षिणी इलाके जियाह की एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। हालांकि विस्फोट के पहले ही इलाके के कुछ लोग भाग गए जिसकी वजह से किसी के घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं आई। लेबनान के अल कर्द अल हसन बैंक को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। अल कर्द अल हसन बैंक की लेबनान में 30 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिनमें से 15 ब्रांच बेरूत और आसपास के हिस्से में घनी आबादी वाले इलाकों में हैं।
हमले के बाद ना तो अल कर्द अल हसन बैंक, ना तो हिजबुल्ला या ना ही लेबनानी सरकार की ओर से कोई बयान आया है। इजराइल के एक सीनियर सीक्रेट ऑफिसर ने इस हमले के बारे में कहा है, इस हमले का मकसद युद्ध के दौरान हिजबुल्ला की आर्थिक ताकत को तोड़ना है, साथ ही युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और पुनः शस्त्रीकरण करना भी है। इजराइल ने बेरूत के बैंक पर यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब हिजबुल्ला ने बॉर्डर पर कई रॉकेट से हमले किए, साथ ही इजरायली सैनिकों के साथ झड़पों का दावा भी किया है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर भी मौजूद हैं। ये बेहद खतरनाक इलाका है क्योंकि ये 24 घंटे हिजबुल्ला के हमले की जद में होता है। आप भी देखिए अरुण सिंह ने क्या देखा। IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो एयरफोर्स के उनके तैयारे हैं, यानी जो उनके एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हैं, वो भी ऊपर से वहां पर बम बरसाते हैं और नीचे से ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। तो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, यहां से इसराइल के आखिरी कुछ घरों से लेबनन की। और लेबनन एक बार आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहां से आप देखिए लेबनन आपको दिखाई दे रहा है, लेबनन के कई गांव दिखाई दे रहे हैं मुझे और कई घर दिखाई दे रहे हैं, और बीच में एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक जो कंक्रीट की दीवार है वही सीमा है और उसके इधर इसराइल के गांव है। उत्तरी इसराइल के दौरे में रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने IDF की 98 डिवीजन के सैनिकों से कहा कि सेना लेबनान में हिजबुल्ला पर हमले बढ़ा रही है और उन ठिकानों को खत्म कर रही है जिन्हें हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल के सप्ताहों में लेबनान में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इनमें से लगभग 1/4 महिलाएं हैं और बच्चे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले के एक दिन बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। लगभग एक साल तक छोटी मोटी झड़प के बाद इसराइल ने 1 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन, और तब से हजारों सैनिकों को बीहड़ के इस इलाके में भेज चुका है।